ईटीवी भारत हिमाचल प्रदेश में आपका स्वागत है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच लगातार यूक्रेन में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। भारत के मेडिकल स्टूडेंट वहां पर फंसे हुए हैं, हजारों स्टूडेंट फंसे हुए हैं और इस वक्त हमारे साथ कई राज्यों के स्टूडेंट्स जुड़े हैं। जम्मू हिमाचल के स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं। हमीरपुर जिला के अनन्या से हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले अनन्या, पहले तो ये बताइए वहां पे हालात कैसे हैं? हाँ जी सर, तो फिलहाल हम कम से कम 650 बच्चे हैं खारकिव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के, जो इस समय बंकरों में हैं 3 दिन से लगातार। और जो भी बाहर रशियन आर्मी घूम रही है लगातार, हर कुछ घंटों के बाद हर बार शेलिंग हो रही है डेढ़ और बहुत लंबे समय के लिए। और तकरीबन उस समय ऐसा होता है कि जब हम बंकर में होते हैं तो बहुत ज़्यादा बच्चों को सफोकेशन, बहुत ज़्यादा सांस की दिक्कतें होना शुरू हो जाती हैं और ऊपर हम आ नहीं सकते। 3 दिन से अभी तक जो हमारा खाने पीने का था वो हमारे कंसल्टेंट जो हमारे हमें यहाँ लेके आए हैं वो हमारे लिए कर रहे हैं। 2 टाइम का हमें खाना मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है कि हम भूखे प्यासे हैं, परंतु धीरे धीरे स्टॉक की कमी हो जा रही है और वो तकरीबन शुरू हो चुका है। बस हमारी यही दुआ है आपके माध्यम से ये बताना कि हिमाचल का जो मैं हूँ, सिर्फ हिमाचल से ही नहीं, यहाँ तकरीबन जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, पूरे हिंदुस्तान के कई राज्यों के बच्चे हैं यहाँ पे अभी। आप, हम यही चाहते हैं, मैं आपको रुकना चाहूंगा, जहाँ पे अभी आप मौजूद हैं वहाँ पे कुल कितने बच्चे हैं भारतीय मूल के, भारतीय हमारे कितने बच्चे वहाँ पे उस बंकर में अभी इस टाइम है? और जैसा कि आपसे बात हुई थी पहले भी फोन पे, तो आपने बताया था कि कुछ और बच्चों को अंदर बंकर के अंदर लाया गया है जो बाहर फंसे हुए थे। जी सर, अभी जो सिर्फ हॉस्टल के बच्चे थे पहले, वो तकरीबन सर हमारे हॉस्टल के जो खारकिव में हम हैं वहाँ पे कम से कम इस हॉस्टल में 550 बच्चा था। फिर उसके बाद बाहर जो मेट्रो में फंसा हुआ था, जो बंकरों में, दूसरे अपार्टमेंट के बंकरों में था, उसकी 150 बच्चा है लगभग, जितना हम काउंटिंग का हमें पता नहीं, लेकिन इतना आया है। और जो है बाकी जितना हमारी मदद हो सकती है हम उनको बंकरों में ला रहे हैं। वैसे बात करी जाए कि बंकर में कितना, तो मैं जैसे बोला 600-700 है, और पूरे जहाँ मैं रहता हूँ खारकिव में वहाँ तकरीबन 2500 से 3000 बच्चा आराम से होगा हिंदुस्तान मुल्क का। अगर बात करें तो खारकिव शहर जो है रसिया के ठीक सटा हुआ है, और यहाँ से अगर ईस्टर्न बॉर्डर पे अभी यह शहर जहाँ पे अभी आप मौजूद हैं बंकर में, तो वहां से वेस्टर्न साइड से जहां से वैकेशन शुरू हुआ है भारतीय मेडिकल स्टूडेंट का, वो कितना दूर यहां से पड़ता है और क्या हालात, किस तरह से आपकी बातचीत इंडियन एम्बेसी से हो रही है? सर, इंडियन एम्बेसी ने हमें कहा था कि आप पोलैंड साइड जो वेस्टर्न साइड है वहां चले जाइए और वहां से हम आपको इवैक्यूएट कर लेंगे। परंतु क्या हो रहा है, एक मिनट, लेकिन क्या हो रहा है कि क्योंकि वेस्टर्न साइड में ईस्टर्न साइड से जाने का, जहाँ मैं हूँ वह तकरीबन 1200 से 1300 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और हम बाहर बड़ा मुश्किल है जाना क्योंकि बाहर कॉन्टिन्यूस शेलिंग हो रही है, तो एक साथ इतने सारे बच्चे कैसे जाएंगे, इम्पॉसिबल है सर। बिल्कुल। और रही बात रोमानिया और दूसरी, जी रोमानिया और पोलैंड से जो इवैक्यूएशन हुई है वो उन्हीं बच्चों की हुई होगी जो वहां से नजदीक है, और यहाँ पे जो लगातार सेलिंग जो हो रही है उसमें आपका वहां तक पहुंचना वाकई है मुश्किल है, लेकिन जो वहां पे जो आपके गार्डियन है या फिर आपके जो कॉन्ट्रैक्टर है वो किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, आप किस तरह से मैनेज कर रहे हैं पूरी सिचुएशन, बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है, खारकिव शहर में लगातार सेलिंग के हालात है, तो इस बीच कैसे आप पूरी दिनचर्या, क्योंकि लगातार 4 दिनों से हमारी भी आपसे बातचीत हो रही है, समय कैसे काट रहे हैं? सर, जितना हो सके बच्चों को काम रखने की कोशिश की जा रही है और 2 वक्त के खाने का इंतजाम हो रहा है, और जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर है वो हमें खाने से लेकर पीने से लेकर हमें कंबल वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि जो हम बंकरों में हैं, बंकर में बिल्कुल भी हीटिंग की फैसिलिटी नहीं है और यहाँ तापमान काफ़ी कम है, 0 डिग्री शून्य से नीचे रहा 2 दिन, और आज थोड़ा सा 2 डिग्री तापमान है, तब देख लीजिए काफ़ी ठंड है, इसलिए
चलिए हमारे कॉन्ट्रैक्ट घर पे बातचीत लगातार हो रही है, संपर्क हो रहा है सर? दिन में एक आधी बार बात होती है क्योंकि कनेक्शन प्रॉब्लम काफी है। जब हम बंकरों में होते हैं तो कनेक्टिविटी बिल्कुल जीरो होती है, तो ऊपर आना पड़ता है, थोड़ा सा बाहर के कमरे में आना पड़ता है बात करने के लिए। गाइडलाइन है आपको, वो किस तरह की गाइडलाइन है इंडियन एम्बेसी के द्वारा, किस तरह से आपको बताया गया है किस तरह से यहाँ पर फिलहाल आपको रहना है? सर जो आखिरी बार मैंने देखा था तो इंडियन गवर्नमेंट ने यही बोला था कि आप जहाँ हैं, जो ईस्टर्न बॉर्डर पे हैं, जहाँ हैं वहीं रहिए, हम आपके लिए कुछ इंतजाम कर रहे हैं। बस हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमें घर आना है, हम घर वापस आए, और हमें पूरा विश्वास है इंडियन गवर्नमेंट पे। बिल्कुल, चलिए हम दिया कनिका से हम बातचीत करेंगे। कनिका हिमाचल के ही कांगड़ा जिला से है। कनिका बताइए किस तरह से घर पे बातचीत हो रही है, परिजनों को चिंता भी हो रही होगी क्योंकि लगातार पिछले 3 से 4 दिनों से आप बंकरों में ही हैं, कैसे समय कट रहा है और कैसे घर पे बातचीत हो रही है टेंस माहौल में? बाकी लोग ठीक म्यूट कर लीजिए। बिल्कुल ही 5 मिनट के लिए, इससे ज्यादा नहीं। एंड बाकी हाजिर में कर्फ्यू लग चुका है जिसके तहत शाम 6 बजे लेके सुबह 6 बजे तक आपका फोन हमें ऑफ रखना पड़ता है क्योंकि जहाँ पे ज्यादा फोन की लोकेशन होती है वहाँ पे सिग्नल चल जाते हैं, वहाँ पे बॉम्बिंग स्टार्ट हो जा रही है, तो सब बच्चों को फिक्स कहा जा रहा है तो ऑफ करने। तो घर पे बात करना बहुत मुश्किल हो रखा है, ऊपर से हम यहीं पर बंकरों में रहते हैं तो चार्जिंग भी नहीं हो पाती फोनों की, तो हम यहीं पर रह रहे हैं, हमारे फोन चार्ज भी नहीं हो रहे हैं और अपनी बैटरी सेव करने के लिए भी हमें फोन ऑफ रखना पड़ रहा है ताकि घर वालों को चिंता ना हो। 20-20 से 2-2 घंटे बाद उनको मैसेज कर दे रहे हैं कि हाँ हम यहाँ पे 3 किलोमीटर है, सब कुछ ठीक है, आप चिंता ना करिए। हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त, वो सब लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। आप डरिए मत और हम जल्दी घर वापस आएंगे जी। इसके अलावा अगर बात करें इवैक्यूएशन को लेकर, आपकी इवैक्यूएशन को लेकर किस तरह से इंडियन एम्बेसी से आपकी बातचीत हो रही है, क्या आपको गाइडलाइन आ रहे हैं और किस तरह से, क्योंकि एक बंकर में जैसा कि ओवर क्राउडेड है, ज्यादा यहाँ पर स्टूडेंट है, तो कैसे मैनेज कर रहे हैं क्योंकि वहां पे सांस की दिक्कत भी, जैसा कि अनन्य से हमारी बातचीत हुई, लगातार इतने समय तक बंकर में रहना तो स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा और अभी क्लियर नहीं है, हालात तनावपूर्ण है, कब तक यहाँ पर रुकना पड़ेगा, उसको लेकर कैसे आप मैनेज कर रहे हैं? अभी हमें इतना कुछ सुनने में नहीं आया, हमारा ध्यान इस समय सिर्फ हमारे एडोपीडिया के जो हम यहाँ लाए हैं वो रख रहे हैं, बाकी देखते हैं एम्बेसी भी क्या कितना ही कर पाएगी, वो अपनी तरफ से कर रही है कोशिश, में काफी बच्चों का निकाला भी है। एक तो है हम है भी यूक्रेनियन की बिल्कुल ईस्ट साइड से, तो उनके लिए भी थोड़ा मुश्किल तो है हमें बाहर निकालना। तो इसमें खाने पीने का आपके पास कितने स्मैक का भी स्टॉक बचा है, उसको लेकर कैसे प्रबंध करेंगे क्योंकि बैंक, एटीएम या सारे मॉल सब सर हर चीज बंद है क्योंकि वहां पे खार्किव शहर में तो अधिकतर जो है सेना की ज्यादा, रूस की तरफ से ज्यादा यहां पर सेलिंग की जा रही है, ज्यादा हालात तनावपूर्ण है। पहली बार बम गिरा उस दिन ही हमने सुबह जाकर के अपने लिए बहुत काफी खरीद लिया था, वो सारा सामान भी अभी इस तरह में सारा सामान खत्म हो चुका है हमारा भी, बाकी दिन ब दिन वो हमें एस वाले भी मेरे यहाँ पे जो गाइड करवा रहे हैं वो भी दिन प्रति होता जा रहा है, तो इन शॉर्ट हम सब चीज़ों की कमी होती जा रही है दिन ब दिन, पानी तक की कमी होती जा रही है, तो यही है। और
कोई भी दुकानें नहीं खुली है, कोई सुपर मार्केट, कोई कुछ नहीं खुला है, बाहर की हम बाहर जाके नहीं दे पाए। लेना तो दूर की बात है, बाहर इतनी बॉम्बिंग की फायरिंग हो रखी है कि हमें कोई बाहर भेजेगा भी नहीं, वहाँ जाने आ सकते बहुत मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल खतरे से खाली नहीं है, लगातार सेलिंग और बॉम्बिंग हो रही है जैसा कि खबरों में भी सामने आ रहा है, वीडियोज कहीं सामने आ रहे हैं। चलिए दिया से हम बातचीत करेंगे, दिया जम्मू सिटी से है और दिया घर पे आपकी बातचीत हो रही है क्या और किस तरह से बातचीत चल रही है, टेंस माहौल है, किस तरह से परिजनों को आप कन्विंस कर रहे हैं क्योंकि मोरल सही रखना जो है हिम्मत बनाए रखना बेहद जरूरी है इन हालात में। हाँ जी सर, हमारी घर पर बात हो रही है हमारी फैमिली से और वो लोग भी टेंशन में हैं, वो लोग भी टेंस्ड हैं क्योंकि हमें यहाँ पे फोन ऑफ रखने के लिए बोला जाता है 12 आवर्स के लिए, फिर हमें अपने फोन की बैटरी भी सेव करनी होती है क्योंकि अगर हम फोन चार्ज भी करना चाहें तो उसका भी लिमिटेड सप्लाई है क्योंकि ऊपर जाना, बंकर से बाहर निकलना इज नॉट सेफ। तो घर वालों से तो बात हम हर 2-3 घंटे बात कर लेते हैं, उनको मैसेज ड्रॉप कर देते हैं या कॉल कर लेते हैं 5 मिनट के लिए और फिर फोन हम ऑफ कर देते हैं। कोई एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहें क्योंकि इन हालात में अगर किसी बच्चे की तबीयत बिगड़ जाती है, किसी स्टूडेंट की तबीयत बिगड़ जाती है तो आपके सीनियर्स आपके कॉन्सेप्टर कैसे इसको मैनेज कर रहे हैं, किस तरह से आपकी हेल्प की जा रही है, कोई दिक्कत आपको फेस रही हो इस तरह की? हमारे हाँ जी सर, हमारे कंसल्टेंट्स जो हैं वो हमारी बहुत हेल्प कर रहे हैं, वो हर एक चीज़ को मैनेज कर रहे हैं और अगर किसी की तबीयत खराब हो भी रही है तो उसका भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है, उसे खाना दिया जा रहा है, दवाइयों का अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो किसी की अगर तबीयत खराब हो भी रही है तो इतनी टेंशन की बात नहीं क्योंकि अभी हमारे पास स्टॉक है, रिसोर्सेज हैं। अब आने वाले दिनों में क्या सिचुएशन होती है, क्या कंडीशन होती है, वो उस पर डिपेंड करेगा कि आगे हम कैसे हाँ सर्वाइव करते हैं। अनन्या से हम एक बार फिर से जुड़ेंगे। अनन्या, जैसा कि आपके माता पिता से हमारी बातचीत हुई क्योंकि वो हमीरपुर जिला से ही हैं, तो हमारी उनसे बातचीत हुई थी, आपका दिसंबर में आप गए थे और आपके आने का टिकट भी बुक करवा लिया था और दिक्कत ये थी कि उस समय 25,000 के टिकट के 1,00,000 रुपए वसूलने की बात कही जा रही थी, टिकट आपका बुक हो गया था लेकिन ऐन मौके पे फ्लाइट ही रद्द हो गई। तो इस तरह की दिक्कत जो स्टूडेंट्स को पेश आ रही है, जिनको इवैक्यूएट किया जा रहा है या भविष्य में अगर संभावनाएं बनती हैं तो इस तरह की कई स्टूडेंट्स को दिक्कत वहां पे आई होगी, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? जी सर, बिल्कुल सही है। अब जिस दिन अटैक हुआ उस दिन भी हमारे यहां से लगभग 300 बच्चा एयर इंडिया की फ्लाइट थी, जैसे आपने सुना होगा, तो बच्चे 250 से 300 बच्चा गया था लेकिन कीव शहर में वो फंस गया एकदम। उनको तुरंत इंडियन एम्बेसी ले जाया गया, वहां से इन हॉस्टलों में डाला गया, उनका भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुई थी। तो हाँ, सारी फ्लाइटें तो कैंसिल हैं 14 दिन के लिए, जितना जब तक ऐसा चला हुआ है, जितना हमें सुनने में आया फ्लाइटें तो बंद हैं। बाकी इवैक्यूएशन की बात है तो वो दूसरे देश से इवैक्यूएट हो रहे हैं, यूक्रेन के अंदर कोई फ्लाइट नहीं आ रही है, काफी प्रॉब्लमेटिक है। इंडियन गवर्नमेंट जितना कर सकती है कर रही है, पर हम चाहते हैं कि अब जैसे हम बच्चे हैं, हम जो अंदर यूक्रेन के बीच में फंसे हुए हैं, तो जल्द से जल्द यूक्रेन सरकार से और रशियन सरकार से हमारी भारतीय सरकार अगर बात करे, हमें निकालने के लिए प्रबंध करे तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि सप्लाईज धीरे धीरे खत्म हो रही हैं और एक बार अगर खत्म हो गया तो आप सोचिए इतने हजार बच्चों को कैसे अपना गुजारा करेंगे। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जो तस्वीर सामने आ रही हैं, जो वीडियो सामने आ रहे हैं वो डराने वाले हैं। इसमें मैं आपसे सरल भाषा में हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि खार्किव शहर जो रशिया के साथ लगता है उससे पोलैंड और रोमानिया की जहां से बच्चों को इवैक्यूएट किया गया है, जहां से भारतीय मूल के लोगों को इवैक्यूएट किया गया है, कितनी दूरी है? सरल भाषा में अगर कहें तो ये दूरी बंगाल से गुजरात तक की है, 1,000 किलोमीटर का लगभग का यह सफर है, अगर मैं सही हूं अनन्या। तो इस तरह की स्थिति है, इसमें आपका बाय रोड जाना संभव नहीं है, इसके लिए सरकार को विकल्प तलाशने होंगे, क्या कहेंगे आप? हाँ जी सर, अभी हमारे यहाँ खार्किव में शूट एंड साइड का ऑर्डर दे दिया गया है, डबल मार्शल लॉ कल रात को आधी रात को लग गया था, तो इससे वजह से क्या कि जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, मैंने बताया वो बाहर भी नहीं जा सकते बच्चों को खाना लेने के लिए। और आप खाना छोड़िए तो फिर ऐसे ही इसमें 1,200 से 1,100 किलोमीटर कैसे कवर करेंगे। बिल्कुल। दूसरी बात ये कि अभी जहाँ मैं हूँ
वहाँ पे जितनी हमें अभी न्यूज मिली है एक डेढ़ घंटे पहले कि रशियन मिलिट्री के टैंक्स हमारे ही कोई हॉस्टल के लगभग 300 मीटर दूर चल रहे हैं, गश्त लगा रहे हैं। तो आप देख लीजिए, ऑल्दो वो सिटीजंस को कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप बताइए क्या ये स्थिति भयभीत नहीं करेगी? बिल्कुल, बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, हम बाहर नहीं जा सकते जी, टेंस्ट माहौल है। इसमें रात के समय आपको क्या गाइडलाइन है, क्योंकि रात के समय तो खतरा और भी दोगुना हो जाता है, सैनिक लगातार बढ़ जाती है और बमबारी जैसे तस्वीरें सामने आ रही हैं, उस समय में रात के समय किस तरह से आप, क्योंकि ऐसे समय में नींद आना भी मुश्किल है। जी सर, रात को ये होता है कि 6 बजे शाम की हम फोन स्विच ऑफ कर देते हैं, क्योंकि हमें इंटेलिजेंस मिली थी, हमें बताया गया था कि रशियन मिलिट्री क्या कर रही है, सेल फोन के टावर से सिग्नल को ट्रैक कर रही है। तो 6 बजे से सुबह के 6 बजे तक 12 घंटे के लिए हमारे फोन स्विच ऑफ कर दिए जाते हैं। तो आप सोचिए वो 12 घंटे हमारे लिए कितने भयभीत वाले होते हैं और हमारे घर वालों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, लगातार परिजनों से भी हमारी बातचीत हो रही है, हिमाचल में जो परिजन है, अन्य राज्यों में है, तो टेंस का माहौल बना हुआ है। आप सभी अपना ध्यान रखिए, उम्मीद है कि जल्द ही हालात सामान्य होंगे और भारत सरकार भी जो मेडिकल स्टूडेंट और जो लोग यूक्रेन में हमारे फंसे हैं उन्हें उनकी इवैक्यूएशन के लिए जल्द ही कोई तरीका निकालेगी, कोई विकल्प निकालेगी। हम उम्मीद जताते हैं कि जल्द ही हालात सामान्य हों। ईटीवी भारत से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।